डॉक्टर जी, एक वीर का बूंद 100 खून के बूंदों से समान बोलते हैं, क्या यह सच है? कई लोगों में वीर के बारे में कई गलत धारणा है। वे समझते हैं एक वीर का बूंद 100 खून के बूंदों से समान है। कुछ लोग ऐसे 100 खून के बूंद से समान, और कुछ लोग सब बोलते हैं 100 खून की बूंदे मिलकर एक वीर का बूंद बनता है। कभी भी खून खून ही है, वीर वीर ही है। ब्लड नेवर बिकम्स सेमन। ऐसे ही और एक गलत धारणा है, हम जो खाते हैं उस खाने का जो सार होता है वह सार खून वीर बनेगा। कभी भी नहीं ऐसा होता है। हम जो खाते हैं वो तो जरूर हमारे शरीर को उपयोग होता है, लेकिन कभी भी वीर नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे गलत धारणा को जैसे कहते खून ही है, वीर वीर है, कितना भी वीर जाने दो कुछ हुआ वीर कैसे बनेगा। वीर से हमारे वृषण टेस्टिकल्स बोलते हैं, टेस्टिकल्स से स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु पैदा होते हैं, शुक्राणु उसी उन शुक्राणु की वजह से ही गर्भधारण होता है। और सेमिनल सेल्स उसमें से थोड़ा सा दशा द्रव तैयार होता है, वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड से द्रव से मिलते हैं, ये सब मिलकर वीर होता है। ये द्रव केवल जो शुक्राणु टेस्टिकल से बाहर आते हैं उनको बचाने के लिए कोई वे थे, जैसे मछली को बचने के लिए का पानी का जरूरत होता है, वैसे ही इसके लिए थोड़ा सा द्रव, वैसे ही। अब कुछ भी इस द्रव का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए खून कभी भी वीर नहीं बनेगा। ऐसे ही एक बूंद का वीर 100 खून बूंदों से समान, ये सब गलत धारणा है। खून का खून कोई भी इम्पॉर्टेंट वाल, ये तो वीर के किसी प्रकार इम्पॉर्टेंट वाल नहीं, उसे कोई संबंध नहीं, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित डॉक्टर समरम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।